हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिया है। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर रेशियो दिया गया है क्लास का, जिसमें 7:5 पे रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मतलब 7 फॉर बॉयज़ एंड 5 फॉर गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर दैन द नंबर ऑफ गर्ल्स। और बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, या लड़कियाँ जितनी हैं उससे 8 बॉयज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है क्लास की, राइट? तो यहाँ पर हम सपोज़ ये लेना पड़ेगा हमें एक चीज़ की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हमने पहले लिया था, लेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़ बी 7x, क्योंकि हमें 7 किसके लिए दिया है, पहला वाला बॉयज़ का, इसलिए बॉयज़ के लिए। एंड दैट ऑफ गर्ल्स बी 5x, राइट? और बस हमें दूसरी कंडीशन में इतनी चीज़ दी है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर दैन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब क्या है कि गर्ल्स जितनी है उससे 8 बॉयज़ ज़्यादा है, या तुम बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है उसमें से गर्ल की स्ट्रेंथ को माइनस करते हो तो 8 बचता है, राइट? सपोज एक मान लो एग्जाम्पल कि 10 बॉयज़ हैं, राइट? तो 10 में से अगर आप गर्ल्स की स्ट्रेंथ को माइनस करते हैं, मतलब 2 गर्ल्स को माइनस करते हैं, तो 8 आपके पास बचता है। या फिर 8 बॉयज़ ज़्यादा हैं तो 2 गर्ल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमको दोनों हमने लिखे हैं 7x और 5x, हमको बताया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है गर्ल्स और बॉयज़ का, सिर्फ 8 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, राइट? तो 7x माइनस 5x होता है 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। x यहीं पर रहेगा, 8 के साथ में 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो अगेन 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। अब बस हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था यहाँ भी वही करना है। ये हमारे प्रेजेंट बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया था, बस पुट करनी है वैल्यू। 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 4, दैट इज 28, ये है बॉयज़। और 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, दैट इज 20, दिस इज़ फॉर गर्ल्स। तो 20 और 28 ये गर्ल्स और बॉयज़ है, और इनको हम ऐड कर देंगे, एडिंग अप बोथ, दैट इज 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48। तो 48 स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास, 48 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उस क्लास की, राइट? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।